हम अंबाला चले। बादशाह से बगावत करना, इस मकसद के लिए एक पार्टी में शामिल होकर लोगों में बगावत का प्रचार करना, गांव में डाका डालना, सरकारी खजाने को लूटना, हुकूमत के अफसरों को कत्ल करना और पुलिस की चौकियों को जलाना। सरकार तुम्हें अपनी सफाई पेश करने के लिए वकील मुकर्रर करने की इजाजत देती है, और अगर तुम खुद अपनी तरफ से वकील मुकर्रर नहीं कर सकते हो तो सरकार की तरफ से तुम्हारे लिए वकील मुकर्रर हो सकता है। मेरे लिए वकील मुकर्रर करेंगे आप ही मेरी किस्मत का फैसला भी करेंगे। ये दोहरी तदबीरें एक मजाक से क्या कम है। वकील, अदालत, कानून, ये सब एक खेल है, एक विदेशी नट का ढोंग है। मैं इस ढोंग में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम अपने लिए कोई वकील नहीं चाहते? मैलॉर्ड, मुजरिम का वकील मैं हूं। बीस साल तक सरकार की खिदमत के बाद आपने इस्तीफा दिया इसलिए कि आप अपने बेटे के उन गुनाहों की हिमायत करें जिन गुनाहों के लिए आप खुद लोगों को सजाएं देते रहे हैं। जी हां, मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूं कि आप सबके सामने इकबाल करूं कि जिंदगी के 20 साल में गलती पर था, वो जिंदगी के बेहतरीन 20 साल जिसमें अपनी मुल्क की खिदमत करने के बजाय मैंने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की और जिसका सिलाई ये मिला। इसलिए कि आप मुजरिम के बाप हैं और कानून के पंजे से अपने बेटे को बचाना चाहते हैं। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए यहां नहीं आया हूं। मैं ये जानता हूं कि ये कार्रवाई एक फरेब है, और मैं ये भी जानता हूं कि मुजरिम की सजा मुकर्रर हो चुकी है और अब किसी भी वकील की बहस से वो बदली नहीं जा सकती। मुजरिम के खिलाफ जो इल्जाम है उनके बारे में आपको क्या कहना है? मुजरिम के खिलाफ जो इल्जाम की फहरिस्त सुनाई गई है वो बिल्कुल गलत है। मुजरिम के खिलाफ सिर्फ एक ही इल्जाम है, बादशाह के खिलाफ बगावत। मुजरिम ने जो कुछ किया है उसी बगावत के रास्ते पर चलते हुए किया है। विदेशी सरकार के खिलाफ बगावत करना कोई जुर्म नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि किस गुलाम मुल्क में आजादी के लिए बगावत नहीं हुई, आजादी के लिए कत्ल खून नहीं हुए? अमेरिका में आजादी की जंग लड़ी गई, फ्रांस में हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, रूस में इंकलाब हुआ, और आज जिन अंग्रेजों के इशारे पर आप आजादी की तहरीक को कुचल रहे हैं उन्होंने खुद अपने बादशाह चार्ल्स अव्वल को फांसी के तख्ते पर लटकाया था। उस वक्त बागियों को डाकू कहा गया और आज उन डाकुओं को हीरो कहा जाता है। नाकाम इंकलाब का नाम बगावत है और कामयाब बगावत का नाम इंकलाब होता है। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस आजादी की जंग में कूदने को तैयार है। आप इस जोश को बगावत कहकर खुश हो सकते हैं, आप मुजरिम को सजा दे सकते हैं, इसलिए ये बगावत अभी इंकलाब नहीं हुई। अगर ये बगावत इंकलाब हो जाती तो मुजरिम के कटहरे में आप खड़े होते, अपने जुर्मों का कफारा अदा करने के लिए मैं खड़ा होता और कोई बागी इस अदालत की कुर्सी पर बैठा होता। आपको इंकलाब जिंदाबाद, जय बहादुर द्वारका दास जिंदाबाद, राम जिंदाबाद। आपको छोड़ दो। मुजरिम का वकील बेमतलब वादे कह रहा है, अदालत की तौहीन कर रहा है,
और मुजरिम को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है। आप मुजरिम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुजरिम? राम मुजरिम है। उसने अपने गुलाम मुल्क को आजाद कराने के लिए आवाज बुलंद की, वो मुजरिम। उसने भूखों नंगों की मदद की और वो मुजरिम। उसने गद्दारों को रास्ते से हटाया और वो मुजरिम। वो भी आईसीएस हो सकता था, आपकी तरह वो भी अदालत की कुर्सी पर बैठ सकता था। उसने अपने मुल्क के लिए रुपया, पैसा, इज्जत, आराम, ओहदा, खुशी सब कुछ ठुकरा दिया। जज्बात की राह में बहकर आप कानून की हमदर्दी हासिल नहीं कर सकते। इसके जुर्म तो जुर्म ही रहेंगे। हाँ, वो मुजरिम है और उस पर मुकदमा चलाने वाली आपकी ब्रिटिश सरकार बेगुनाह है। आपकी ब्रिटिश सरकार ने लाखों बेगुनाहों की जान ली, लाठीचार्ज किए, गोलियां बरसाई, चलियान वाला बाग में कौमी परवानों को जुल्म की गर्म भट्टी में ठोक दिया, लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई, भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर लटकाया, आपकी ब्रिटिश सरकार बेगुनाह है। इन्हें बांध ले जाओ। राम मुजरिम है। आप मेरी आवाज बंद कर सकते हैं, इंकलाब की आवाज बंद नहीं कर सकते। इंपीरियलिज्म की दीवारें थर्रा रही हैं, आप उनको थामना चाहते हैं। दलदला आएगा, महल टूटेगा, दीवारें गिरेंगी और आप भी उसके साथ गिरेंगे। लोग आप पर हंसेंगे, कहेंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्क की आजादी को बेचा, वतन को बेचा, इंसानियत को बेचा। उस वक्त आप मुल्जमों के कटहरे में खड़े होंगे और कोई राम अदालत की कुर्सी पर बैठकर आपकी तकदीर का फैसला करेगा। राम को फांसी की सजा होगी।